वहाँ लिख दे रिफ्रेश मैसेज डाल दे रिफ्रेश हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल कैसे हो आप सब स्वागत है स्वागत है स्वागत है वेलकम इनटू न्यू इंडियन एरा सो गाइस बहुत दिनों बाद आज से वापस से साइंस का भी सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब से रोज रहेगा ठीक है अब से रोज आप सबका सेशन होगा रोज पर डे एंड सॉरी फॉर लेट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज एंड रीजंस उन सब की वजह से मेरा सेशन नहीं हो पा रहा था ट्वेल्थ वालों के लिए भी बहुत कुछ लॉन्च करना है सो so, इस वजह से और भी लेट होता था इसलिए और भी थोड़ा सा लेट होता था ठीक है बट अब से नहीं होगा लेट वेलकम श्रीकांत कशिश मानसी हवरियु रितेश आदित्य चलो सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो फटाफट सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाओ एंड देन आफ्टर दैट हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है ओके ओके सो यस ओके सो so, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस मेंटी सेशन को तब तक आप सभी लोग सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ठीक है सभी अपने फ्रेंड्स को जल्दी से सभी लोग गाइस शेयर कर दो जिससे कि आज के इस सेशन को कोई मिस ना कर पाए और जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ फटाफट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है साइंस वन ग्रेविटेशन का ये हमारा टॉपिक है साइंस वन ग्रेविटेशन का आज का हमारा ये प्यारा सा टॉपिक है सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट ओके ओके सो ओके चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को ठीक है वेलकम श्रीकांत वेलकम कन्हैया हवर यू आज गाइज मैं आप सबको बता दूं कि सीधे ना आप सबको एक चैलेंज करता हूं देखते हैं कितने बच्चे ग्रेविटेशन के इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे दिस इज चैलेंज ऑल ऑफ यू, जितने भी महाराष्ट्र के सारे बच्चे हैं करीबन अभी ज्वाइन हो रहे हैं, दिरे दिरे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे बढ़ इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट आपके यहां पे करवाए जाएंगे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप लोग को इस टाइम क्लासेस में आपको पैसे ले, ले लेंगे बहुत कुछ आपसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब में हमारा चैनल न्यू इंडियन एरा है वहां पे सभी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस मैथ्स सोशल साइंस इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की एक्सीलेंट बैच हमने लॉन्च कर रखी है यहाँ पेगुलर से सारे सेशन कंटिन्यूसली होंगे अब से रोज सारे चैप्टर के एक बार खत्म होगा दोबारा फिर से सारे चैप्टर के स्टार्ट के करेंगे और जितने क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं ना कोई भी क्वेश्चन डाइजेस्ट एंड ऑल कहीं से नहीं उठाए जाते सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक और खुद से बनाए जाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की तो आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन कर के हो, 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 हो और चाहे साइंस के लिए ठीक है तो इन सबको आपको ध्यान देना है तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो जल्दी से फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को ठीक है चलो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो फटाफट सो यस लेट्स बिगिन शुरुआत और बारिश होने की वजह से बहुत से टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से ट्वेल्थ की बैच लॉन्च नहीं हो पा रही है कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड हो गए हैं अब से मैं कल या परसों से वही लेक्चर्स डालना शुरू कर दूंगा सीईटी वालों के लिए जैसे फिजिक्स और केमेस्ट्री के बट मैथमेटिक्स के लिए भी है और बायोलॉजी के लिए भी ना मतलब एक है अपने पास टीचर्स अवेलेबल है बट ड्यू टू रेन थोड़ा सा इश्यू होता है तो अवेलेबल नहीं हो पाते जिस वजह से ट्वेल्थ की बैच लॉन्च नहीं हो पा रही है लॉन्चिंग होगी तो अच्छे सब कुछ कराया जाएगा मैं समझ रहा हूँ बहुत कम टाइम है बट मैं भी तो ट्राई कर रहा हूँ ना अपने एंड से बेस्ट एकदम आप सबको देने की सो so, टेंशन मतलब सब कुछ अच्छा होगा कोई भी इश्यू की बात बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक उसी सभी कामों में गाइस लगा था चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम ऋषिकेश सुशांत विशाल वेलकम ओम ठीक है और हाँ आज सभी को चैलेंज है देखते हैं कौन बच्चा सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा ठीक है वेलकम आदित्य जगता भावरी ऋतुजा पल्लवी कैसे हो विशाल दादा साहेब भावरी वंशिका मीनाक्षी आदित्य सिंशियर नॉलेज गाइस <laughs> सभी लोगों को चैट में मेंटी की जो लिंक है वो पिन कर दी गई है देखो यहाँ पे लिखा भी है ना यहाँ पे न्यू इंडिया है वहीं पे क्लिक करोगे तो मेंटी की लिंक मिलेगी किसी दूसरे फोन से आप लोग उसमें क्लिक करोगे और मेंटी ज्वाइन हो जाओगे या तो फिर मेन्टी डॉट कॉम में जाना है और इस कोड को इस्तेमाल करना है सिक्स वन थ्री एट डबल एट जीरो फोर इस कोड का यूज करके तुम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर सारे महाराष्ट्र के बच्चे लाइव यहाँ पे दे पाओगे ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स बिगिन वेलकम राजेंद्र धीरज मनोज कैसे हो स्नेहा स्प्रेडिंग हर्शल्फ कैसे हो अंकिता याश्वी सिया महादेव सौरभ बहुत बढ़िया चलो स्टार्ट करते हैं सीई टी का फॉर्म कैसे भरना है सीई का फॉर्म कैसे भरना है आज ही लिंक आने वाली है तो सीई की एप्लीकेशन या फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा ठीक है जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें से आपको मिल जाएगा डोंट वरी कोई टेंशन मत लो तो पूरा मैं हूं आप सब लोगों के लिए सी की फॉर्म कैसे भरनी है उसकी वीडियो में आप लोग को एक अपलोड करके दे दूंगा डोंट वरी चलिए अभी शुरू करते हैं सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा सो so, चलिए शुरू करते हैं आप सभी के सामने अभी यहाँ पे क्या होगा स्टार्ट होगा सारा का सारा चीजें भाई क्या हो रहा है रीलोड करना पड़ेगा क्या ओके आएगा रुको आजा आजा अद्रम अद्रम सा <laughs> इसको भी मंत्र बोलना पड़ता है <laughs> है ना ये देखो ये सारे बच्चे आ रहे हैं ठीक है आने को तो बहुत से बच्चे हैं देखो करीबन 600 प्लस बच्चे हैं गाइस आज सच कहता हूं सीधा चैलेंज है आप लोग को क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं होंगे कुछ क्वेश्चन आसान है कुछ क्वेश्चन आसान नहीं होंगे सो लेट्स बिगिन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये देख लो जल्दी जल्दी फटाफट आप सभी के स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है जल्दी से सभी लोग आंसर दे दो ठीक है कोड है यहां लिखा है ना कोड सिक्स वन थ्री एट डबल एट जीरो फोर क्वेश्चन है इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो ट इज इफेक्ट ऑन सर्कुलर मोशन इफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज जीरोन वट इज इफेक्ट ऑन सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन ऑकर्स और सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल नो इफेक्ट ऑन सर्कुलर मोशन नन ऑफ दल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर वेल well, अच्छे तरीके से दे पाता है ओनली सेवन सेकेंड रिमेनिंग ओनली सेवन सेकेंड रिमेनिंग बहुत कम टाइम है आप सभी लोगों के पास और यहां पे करेक्ट ओनली टू थर्टी था ना डोंट वरी यार कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा ठीक है सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा डोंट वरी लेकिन क्वेश्चन से डरो मत क्योंकि क्वेश्चन मैंने सीईटी के लेवल में मैंने सेट किए हैं बाकी आप देखोगे ना तो क्या होता है कि डाइजेस्ट के क्वेश्चन उठा लेते हैं या क्वेश्चन बैंक के मैं भी करा सकता हूँ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अच्छी बात नहीं है मैंने पे सारे क्वेश्चन और है, हमको सिंपल चाहिए, तो माफी दे दो भाई तुम्हारे लिए सेशन नहीं बनाइए क्योंकि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चल सकता हूं मैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन सीटी में आता है उस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा अब अगर तुम उसके लिए एबल नहीं हो तो मैं एबल बनाऊंगा तुमको उस लेवल में मेरा लेके आना काम है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें उस लेवल में लेके ही ना है ना तो इसीलिए क्वेश्चन कितना भी कैसा भी लेवल का रहे मैं वैसे ही लेके आऊंगा तुमको उस लेवल का बनाऊंगा इस बात को हमेशा याद रखना ठीक है तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं इसके बाद लीडर बोर्ड देखेंगे यहां देखो फटाफट सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई यहां पे समझो पहले अच्छे से क्या बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मान लो जीरो है तो सर्कुलर मोशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा यही क्वेश्चन है सबसे पहले यह समझो कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है और अगर यह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो ऑब्वियसली अपने सर्कम के अलॉन्ग घूम रहा है अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और इस तरीके से अगर घूम रहा है तो सी बात है है, कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तभी तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड सन, तो सन के टूवर्ड तो तो अट्रैक्टेड है, है अगर मान लो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो क्या ये अर्थ सरकम घूमेगा नहीं तब तो ये किधर भी घूम के भाग जाएगा पूरे स्पेस में अपना अर्थ

अरे बाबा रिड्यूस्ड नहीं है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कौन बोलता reduced है ठीक है चलो आगे निकलते हैं छोड़ के भाग जाएगा बहुत बढ़िया <laughs> चलो नेक्स्ट इसका लीडर बोर्ड देखते, देखते हैं देखो तुम सब बहुत ही अच्छे से आंसर इसका दे रहे हो ठीक है समझा क्या नो no डाउट ना चलो बहुत सुंदर किसी को डाउट ही नहीं है तो यहां पे टॉप किया है ध्रुव ने फास्टेस्ट आंसर गिवन बाय ध्रुव क्या बात है यार तुमने तो धमाका मचा hmm. दिया ध्रुव ने एकदम सच्ची कह रहा हूं भाई ध्रुव ने एकदम धमाका मचा दिया है ठीक है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है ये चलो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होगा देखते कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे सर में एक वन शॉर्ट वीडियो फोर ट्वेंटी ट्वेंटी रिक्वेस्ट अरे वेदांत जाधव बना के डाला है जाके देखोगे तभी ना जाके देखो पूरे ग्रेविटेशन का वन शॉर्ट वीडियो डाला है जस्ट सर्च ग्रेविटेशन वन वीडियो मिल जाएगा तुम्हें चलो क्वेश्चन लुक एट योर फोन गो टू मॉट कॉम यूज दिस कोड सिक्स वन थ्री एट डबल एट जीरो फोर क्वेश्चन आपके सामने है सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन विच मोशन अभी अभी यार ये तो चिंदी क्वेश्चन दे दिया शेट चलो ठीक है <laughs> बहुत ही बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया ओके ओके मैंने मना किया था कि ये क्वेश्चन नहीं डालना है आसान था बट ठीक है कोई नहीं चलो यार ये तो बहुत ही चिंता क्वेश्चन चला गया इसका एक्सप्लेनेशन अभी अभी दिया था मैंने है ना इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी अभी दिया है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी अभी दिया था <laughs> चलो कोई नहीं यार कर लो चलो छोड़ दिया तुम्हें मैंने <laughs> चलो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है Guys, आप सबका पूरे महाराष्ट्र में सिक्स थर्टी सेवन लोग कॉम्पिटिशन में है मतलब सोचो जरा टोटल 637 लोग एक साथ कॉम्पिटिशन आपके साथ कर रहे हैं इस वक्त सोच लो तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन विच मोशन ये हमें देखना है सिंपल सर्कुलर मोशन में फोर्स होता है लीनियर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगाओगे क्या <laughs> नहीं ऑसिलेटरी मोशन में क्या लगाओगे तुम पीरियोडिकली okay, लगा totally तो ठीक है ये कर रहा है बराबर है ऑसिलेटरी तो पूरा घूम गया ऐसे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा तो, तो जाके. तुमने रोड अच्छा तुम तो ट्वेल्थ के बच्चे नहीं हो ना ठीक है तुम टेंथ के बच्चे हो तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसे पीरियोडिक मोशन होता है ठीक है इस बात को ध्यान देना अगर पूरा घुमाओगे ऐसे, तो तो जाके सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस बात को अच्छे से समझ चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> स्टार्ट होगा बहुत जल्दी 11th के बच्चे हैं हाँ यार नहीं नहीं वो कैसा है ना ट्वेल्थ को भी पढ़ाता हूँ ना पूरा डोंट वरी तुमको मैं ट्वेल्थ तक साथ दूंगा हमारे चैनल के अंदर पूरा इलेवेंथ वीडियो पूरा ट्वेल्थ वीडियो डाला हुआ है बट ट्वेल्थ वालों का सी स्टार्ट करनी है मुझे अभी तो वो इसके लिए थोड़ा सा बैचेस वगैरह लॉन्चिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है वरना धमाका मचा देने वाला हूँ टेंशन मत लो तुम लोगों के साथ हमेशा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा जितने में तुम दो दो लाख रुपए फीस भरोगे ऑफलाइन में जाके उससे बेटर यहां पे मिलेगा देख लेना प्लस नोट्स पी के फॉर्म में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब कुछ होगा अब टेस्ट सीरीज के लिए ईमानदारी तुम्हारी होनी चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पहले लीडर बोर्ड देख लो इस क्वेश्चन का बोर्ड देख लो ठीक है सीईटी का फॉर्म आज शाम तक आ जाएगा सीईटी का फॉर्म आज शाम तक सीईटी का फॉर्म आ जाएगा तो फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे अरे वाह यार मनीषा बहुत बढ़िया मनीषा ने टॉप कर दिया है साहिल सी वारेकर आर्मी डॉक्टर आर्मी डॉक्टर कन्हैया गुप्ता क्या बात है गौरव प्रणय संस्कृति हर्ष ओम साहिल सुरेश देव भंकर बहुत बड़ी यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड सबसे बड़ा वाला कॉन्ग्रेचुलेशन टू साहिल बिकॉज ये फास्टेस्ट बंदा है सबसे फास्ट क्वेश्चन इसने दिया है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहा गया भाई आजा, कहां गया question, आ जा थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा चलो बहुत हो गया आसान आसान क्वेश्चन लुक एट योर फोन ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा गाइज यहां से भी फास्ट क्वेश्चन आपको menti.com इस कोड पे मिल जाता है जल्दी ज्वाइन करो इतने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं जल्दी करो 700 600 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं क्वेश्चन है फ्रॉम से थर्ड लॉ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आएगा धूम मचा देगा इस बार इफ वैल्यू ऑफ टी इज इंक्रीजिंग बाय 2 टाइम्स देन व्हाट अबाउट ये देन है थोड़ा देन है देन देन 2 टाइम्स देन वट अबाउट वैली ऑफ आर जल्दी जल्दी मजा आएगा मजा आ गया तर्रम तर्रम आया शेर आया शेर जल्दी करो फ्रॉम कैप्लर्स थर्ड लॉ इफ वैली ऑफ टी इज इंक्रीजिंग बाई टू टाइम्स देन वट अबाउट वैली ऑफ आर टाइम इज अप एंड ओनली टू ओ एम जी <laughs> मालूम था कि सबके सभी का डब्बा गुल होने वाला है <laughs> सभी का डब्बा गुल होने वाला है हमको मालूम था रे बाबा चलो बोले तो क्या गुंडा बनोगे तुम लोग ऐसे क्वेश्चन सीटी में आते हैं देखो ये है लेवल ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे साइंस वन कैप्टर थर्ड लॉ का क्वेश्चन है ये अब इसको समझने के लिए दिमाग होना मांगता है दिमाग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं <laughs> एक कह रहा तुक्का ओपी <laughs> समझा गया चलो इस क्वेश्चन को समझाता हूं पहले ध्यान दो अच्छे से हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ ऑफ दिस सेक्शन पीडीएफ पीडीएफ नहीं मिल अरे बाबा ये मेंटी है प्रैक्टिस करो ना PDF कैसे निकालूंगा कितना प्रोवाइड करूं पीडीएफ बनाने में कितना टाइम जाता है ऐसे करते हो ठीक है समझा अच्छे से सर साइंस टू का लो कल से <laughs> क्या हुआ राजेंद्र <laughs> आसान क्वेश्चन लू तुम लोग जैसा बोलोगे वही लूंगा मेरे को क्या है तुम लोग जो बोलोगे ना वही क्वेश्चन लूंगा आसान क्वेश्चन लू क्या सिंपल क्वेश्चन लू बोलो सिंपल क्वेश्चन उठाऊ मैं, <laughs> अगर सिंपल क्वेश्चन बोलोगे तो सिंपल चिंदी लेके आऊंगा कल से आंसर पट दोगे, फ्री फॉल के क्वेश्चन ला दूंगा उधर जी की वैल्यू पूछूंगा लेटी <laughs> ऐसे ऐसे क्लियर करोगे तुम लोग तुम लोग के साइंस में 25 में से कितने आएंगे 10 भी नहीं आएंगे के इससे अच्छा तुम्हारी टेंथ के फिर ही माने जाएंगे देखो मैं तुमको लेवल ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं उसको लो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखो पहला इसका एक्सप्लेनेशन देखो फटाफट फड़। यहां देखो जल्दी से सभी लोग चलो समझाता हूं क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रॉम फ्रॉम क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से समझना भैया जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा फ्रॉम कैप्लर थर्ड लॉ पहले जैसे ही बोला देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझते ही दिमाग में घुस जाना चाहिए बातें एकदम

सन ना डेफिनेशन यानी कि टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब दिमाग में गई बातें क्या बोल रहा हूं ओके अब आपको एक बात समझाता हूं देखो यहां पे अगर मैंने बोला कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैंने क्या बोला अगर मैंने बोला ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी तो इसका मतलब क्या है यहां देखो फटाफट फट फट. इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है मैं पहले आपको इसका मीनिंग ढंग से समझा देता हूं चलो आ जाओ फटाफट सभी बच्चों को इसका मीनिंग एकदम पहले ढंग से समझा देता हूं यहां देखो जरा फटाफट सभी लोग यहां पे देखो सभी लोग यहां पे देखो जल्दी से फटाफट फट, एक एक बच्चा यहां फोकस करेगा देखो क्या होता है ना यहाँ पे समझो फटाफट फट जल्दी से ओके, देखो क्या होता है ना कि प्रपोर्शनालिटी का जो साइन होता है

B की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो A की वैल्यू इंक्रीज होती है ये डायरेक्टली का मतलब है। तुम होगे, मैं है तो डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ये घटेगा तो ये भी घटेगा क्लियर इसका मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगा समझो तो ये घटेगा इनवर्सली तुम इंक्रीज होगे मैं डिक्रीज होंगे तुम डिक्रीज होगे, मैं इंक्रीज होगा उल्टा अपोजिट अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा ये इनवर्सली का मतलब है। तो अगर इंक्रीज होगी तो टी की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टी की वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज होगी अब अगर मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया कि अगर t की वैल्यू इज इंक्रीज बाय t की वैल्यू इज इंक्रीज बाय टू मतलब r की वैल्यू क्या होगी तो r की वैल्यू भी टू से इंक्रीज होगी ना बट अगर मान लो इसकी वैल्यू टू से इंक्रीज कर रहे हो तो यहां भी मतलब देखो यहां पे तो यहां भी उसकी वैल्यू भी उतनी वैल्यू डालोगे ना तो r की जगह में टू पुट करोगे और टू का यहां पे क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू एट होगा इस वैल्यू को भी फोकस करो ना यहां के पावर में कुछ नहीं था वन है यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया है यहां पे कुछ नहीं वन है बट यहां पे स्क्वायर है टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब इसकी वैल्यू दो से बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी यहां पर दो से इंक्रीज होगी लेकिन दो का इंक्रीमेंट मतलब दो का क्यूब तो बनेगा एट यानी इंक्रीमेंटेड बाय एट दो की वैल्यू दो गुना बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू आठ गुना बढ़ेगी अगर टी की वैल्यू दो गुना बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू आठ गुना बढ़ेगी समझा अच्छे से इस बात को ध्यान देना आई होप आप सबको ये सब क्लियर हुआ होगा चलिए मैं आपको लेके चलता हूं से से फिर से आ जाओ यहाँ पे मेंटी में जल्दी से आप सबको लेके चलता हूं यहां पे जरा देखो अच्छे से फटाफट सारे बच्चे यहाँ फोकस करो चलो आ जाओ फटाफट मेंटी में लेके चलता हूँ आई होप तुम सबको समझ गया होगा आई होप तुम सभी बच्चों को समझ में हो गया ठीक है समझा गया एक बच्चों को एक एक बच्चों को समझ में आया क्या एक एक बच्चों को समझ में आया क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला रे बाबा की चलो ठीक है ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं साइंस वन है Physics है फिजिक्स आंडू पांडू समझे हो क्या गया <laughs> बोलो कि तिरंगा मूवी देख के आया है इधर ही धूम मचाएगा ठीक है कौन सा क्वेश्चन था भाई अच्छा ये क्वेश्चन चल रहा था ना वहीं पे चालू करता हूँ धैर्य करो थोड़ा धैर्य करो धैर्य पेशेंस नाम की चीज रखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने ठीक है ये यह देखो यही था ना यही क्वेश्चन था ना यही क्वेश्चन था ना बाबा क्या क्वेश्चन था एक एक बच्चे को समझा होगा चैलेंज देता हूं थर्ड रूल तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब टी की वैल्यू दो गुना बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू भी दो गुना बट दो का क्यूब क्या होता है आठ तो इंक्रीज बाय एट कौन सी दुनिया में खोए हो रहे बाबा समझा क्या अच्छे से चलो क्लियर हुआ क्या सभी लोगों को सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या एक बच्चे को अनिकेत ठाकुर कह रहा है क्या एक्सप्लेन किया सर मचा दिया आपने अब ऐसे क्वेश्चन हम इजिली फोड़ देंगे बहुत बढ़िया ऐसे ही समझने का ठीक है ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो दुनिया में आगे बढ़ोगे चिंदी चिंदी क्वेश्चन तो कोई भी करवा देगा चलो ठीक है यहां देखो क्लियर हो गया क्वेश्चन भाई इतने बच्चों ने जो रॉन्ग किया है थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगा के रखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं किधर कि इसका लीडर बोर्ड इसका लीडर बोर्ड इधर है तुम्हारी स्क्रीन के सामने चलो फटाफट जल्दी करो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को फटाफट लाइक ठोक दो अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है <laughs> लाइक ठोक दो महाकाल की कृपा से जल्दी <laughs> मनीषा या फास्टेस्ट आंसर इन्होंने दिया है जल्दी करो यार क्या करो सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है वेलकम सचिन आदित्य प्रणव हेमलता सचिन कैसे हो अनिकेत मजा आता है आपके साथ सीखने में थैंक यू सो मच सचिन थैंक्सॉड फॉर सपोर्ट एंड लव आदित्य जगता डोंट वरी मैं कर दूंगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कहा गया थैंक यू सो मच मनीषा ध्रुव आयुष कांग्रेच सुहानी के 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 केउरा कंचन और दूसरा कोई है क्या चार और आ जाते यार तो के के हो जाता चलो ठीक है सो कोड है कोड है मीड कॉम मैंटी डॉट कॉम में जाना है और कोड यूज करना है सिक्स वन थ्री एट डबल एट जीरो फोर यह कोड यूज करना है जल्दी जाओ और तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे सात सौ अस्सी नब्बे कुछ उतने बच्चे ज्वाइन ज्चे हो चुके हैं देख सकते हो यहाँ पे सेवन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं फटाफट ज्वाइन करो देखते हैं कौन टॉप करता है इस बार महाराष्ट्र से सारे ऑल ओवर महाराष्ट्र से इस मेंटी को ज्वाइन किया है बच्चों ने तुम्हारा पूरे महाराष्ट्र के बच्चों से है जितने आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है देखते हैं कितना करके दिखाते हो मजा आ जाएगा एकदम कसम से कहता हूं मजा आ जाएगा चलो धूम मचाले चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द वैल्यू ऑफ डी वैल्यू ऑफ डी डी मींस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बाय टू देन व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एफ चलो जल्दी करो फफा फा मैं हो गया फिदा चलो जल्दी करके दिखाओ फटाफट फड़ इस क्वेश्चन का आंसर निकालो देखते हैं कौन करके दिखाता है जो करके दिखाएगा उसको दो रुपए वाला लड्डू मिलेगा <laughs> बहुत ही आसान क्वेश्चन है चिंदी हिम्मत होनी चाहिए करके दिखाने में तुम्हारे चैप्टर का है पेज नंबर वन टू थ्री फोर्थ पेज नंबर में है चौथे पेज नंबर में चौथा पेज नंबर पेज नंबर फोर में जाओ पेज नंबर फोर टाइम इज अप व्हाट इज अप व्हाट इज अप बोले तो बंट है कि पब्लिक <laughs> तीन सौ तेरह थ्री वन थ्री थ्री वन थ्री लोगों ने करेक्ट आंसर किया है थोड़ा सा तो मेरे को खुशी हुई दिल को तसल्ली मिली <laughs> हर बार इंक्रीजिंग नहीं होता रे वाह नहीं होता है कौन हो तुम लोग हर बार इंक्रीजिंग नहीं होता समझाता हूं मैं हूं ना समझा के देता हूं धैर्य करो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे धमाका मचा दोगे तुम लोग देखो फिर बताता हूं आ? चलो चलो फटाफट फड़। समझाता हूं चलो कितने लोग ने आंसर दिया है देख लो यहां पे सभी लोग सभी लोग ने बहुत अच्छा पढ़ा यू सो मच काजल गुप्ता थैंक यू फॉर्मिला क्या है चलो यहाँ बताता हूँ देखो क्या है सुनने का भाई पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि फ्रॉम कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोला था मैंने फ्रॉम कैप्लर्स थर्ड लॉ कैप्लर का थर्ड लॉ क्या था टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रपोजूर का क्यूब इस बार क्या बोला है इस बार बोला है फ्रॉम दी फॉर्मूला है, तो है, तो है. लेके चलता हूं तारों के शहर में लेके चलता हूं तुम लोग को जल्दी इधर इधर आ जाओ ठीक है यहां देखो देखो यहां देखो पहले छोटा सा लिख देता हूं हमने देखा था प्रोपोर्शनलिटी के साइन के बारे में क्या पढ़ा था कि एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि ए जो होता है वो सीधा बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है और यहां पे ए वो उल्टा बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं इसका मीनिंग क्या है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ये घटेगा तो ये भी घटेगा ये डायरेक्टली का मतलब है इसका मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ओके okay, चलो ये कॉन्सेप्ट साइड में रखो इसको यूज करेंगे अभी ठीक है यहां देखो उसने क्या बोला था उसने क्या बोला था कि अगर मान लो अगर मान लो हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी का स्क्वायर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ये कैसे आया अभी बताता हूं तुमको देखो यहां देखो यहां देखो कैसे आया ये हमने देखा था कि न्यूटन ने हमें एक लॉ दिया है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या दिया है क्या दिया है बोलो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वट इज दिस क्या है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय समेट फोर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय समेट फोर्स दैट फोर्स इज एफ न्यूटन बाबा आगे कहते हैं अपने लॉ को आगे कहते हैं कहते हैं कि दैट डेफिनेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ये देखो मान लो इसका मास एम वन एम टू है इसका मास एम टू है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम वन एंड एम टू दैट इज मासेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एंड दैट फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं ये न्यूटन का रूल था ठीक है दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ रहा है सभी बच्चों को एक बच्चों को समझ में आ रहा है सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रहा है चलो तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा इससे हमें मिलेगा कि ये कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं अपॉन में डी का स्क्वायर ये सिंबल को हटाने के लिए मैं यहां पे ये यूज कर लूंगा ठीक है अपॉन में डी का स्क्वायर हमें मिल गया यही है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला ठीक है यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस अमाउंट ऑफ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इसको सॉल्व करोगे तो जो भी फोर्स वैल्यू आएगी वही अब हमको सिर्फ किससे मतलब है हमको सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है क्योंकि हमको क्या बोला है कि अगर मान लो वैल्यू ऑफ़ डी इंक्रीज करते हैं दो से अब फिर से आ जाओ यहां पे बैक अब यहां पे क्या बोला है हमको सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है? इस वैल्यू से मतलब, है। से मतलब है। अगर मान लो हम यहां पे क्या करते हैं वैल्यू ऑफ डी यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स दो से इंक्रीज करते हैं तो एफ का क्या होगा अब यहां देखो अगर बी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनवर्सली रिलेशन है अगर बी को बढ़ाओगे तो ए घटेगा तो पहली बात तो भैया सीधी सी बात है कि ए हमारा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा ही नहीं क्यों क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऊपर वन बैठा है ना तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ये भाई इंक्रीज होगा ही नहीं ये क्या होगा भाई सीधा डिक्रीज होगा ठीक है अब कितने से डिक्रीज होगा तो डी की वैल्यू हमने दो से इंक्रीज की है अगर हम दो की ये डी की वैल्यू को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो ए की वैल्यू घटेगी अगर बी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ए की वैल्यू घटती है अगर यहाँ पे हम डी को बढ़ाएंगे तो एफ घटेगा ना तो एफ तो पक्का डिक्रीज होगा बट कितना डिक्रीज होगा तो अगर मान लो ये ऐसा रिलेशन है और अगर डी की वैल्यू को मैं दो रखता हूं यहां पे तो क्या बनेगा ये वन बाय फोर यानी कि ये चार गुना कम हो जाएगा यानी कि फोर टाइम डिक्रीज होगा हमारा एफ क्योंकि दो का स्क्वायर चार होता है आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को क्लियर है एक एक बच्चों को क्लियर है कोई डाउट एक एक बच्चों को क्लियर है क्या जल्दी बोलो जल्दी बोलो सारे बच्चे फटाफट बताओ यार एक बार सारे बच्चे बोलो इसमें तो मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बता दिए सारे सारे बच्चों को क्लियर है क्या सब कुछ एक भी किसी को डाउट है क्या ठीक है सबको क्लियर है पक्का तो ये इस बात को अच्छे से समझ के रखना चलो अब चलते हैं फिर से वहीं पर जहां से आए थे वहीं जाएंगे इस बार फिर से कहां से आए थे भाई चलो लेके चलते हूँ आप लोग को फिर से उसी जगह में ठीक है आ जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट। बहुत बड़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। सबको समझ में आ गया इसी बात पे भाई लाइक ठोक दो अगर अच्छा लगा हो तो <laughs> ठीक है हो सके तो शेयर भी कर सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है शेयर करोगे तो कुछ नहीं कहूंगा <laughs> ठीक है चलो जल्दी कर दो बच्चों तो बच्चों के के लिए लिए भी भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बच्चों के ही जल्दी मैं ट्राई कर रहा हूं मैं जानता हूं ट्वेल्थ वाले बहुत वेट कर रहे हैं ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए भी आएगा डोंट वरी ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं इसका लीडर बोर्ड देख लो फटाफट चलो इसका लीडरबोर्ड देख लो फटाफट इसकी लीडरबोर्ड देख लो कौन टॉप किया इसमें इसमें टॉप किया है इसमें टॉप किया है हमारे मनीषा ने एंड आयुष बारू सेकेंड पे कंचन श्रेष आदित्य रिएक्शन बॉय केवरा आदिति संजना प्रिया टॉपर है ये ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी गाइज अपने सारे फ्रेंड्स को इस सेशन को शेयर कर दो बहुत मजा आ जाएगा सभी लोग में में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी चैट में सब लोग बताओ क्वेश्चन कैसा लगा इसके पहले का क्वेश्चन कैसा था क्वेश्चन एक था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीखने मिल गए क्वेश्चन एक ही था लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीखने मिल गए है ना चलो चैट में बताओ कैसा लगा सारा का सारा क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन लेता हूं तब तक सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तब तक सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी बहुत अच्छा लगा एक नंबर क्या बात है प्रमोद यू सो मच संजय थैंक यू मनीषा लॉट एक नंबर बहुत बढ़िया क्या बात है आप सबका सपोर्ट है तो और क्या ही चाहिए क्वेश्चन <laughs> इसके बाद दिखाऊंगा बोर्ड एंसर फास्ट गेट मोर पॉइंट ओ हो क्या क्वेश्चन है क्या ही मजेदार क्वेश्चन है इफ द एक्सिलेशन इज जीरो देन वट अबाउट फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट बोलोगे सर ये तो हमें आता है ऐसा बोलोगे सर ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमको आता है बट समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हमने कहा देखा है <laughs> चलो जल्दी से आ, बताओ जरा देखते हैं <laughs> क्या है <laughs> करके दिखाओ जल्दी जल्दी करके दिखाओ अमेजिंग क्वेश्चन तुम्हारे पास ट्वेंटी नाइन सेकंड रिमेनिंग जल्दी ज्वाइन करो यार क्या कर रहे हो गो टू मटी डॉट कॉम एंड यूज दिस कोड गो टू मेंटी डॉट कॉम यूज दैट कोड छह सौ से प्लस बच्चे आ चुके हैं जल्दी करो सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फाइव सारे बच्चे ज्वाइन करो फटाफट समझ के लोगे तो बहुत मजा आएगा सारे क्वेश्चन को समझ के लोगे तो बहुत मजा आएगा जल्दी करो वाह बहुत बढ़िया बहुत से बच्चे चैट में आंसर दे रहे हैं क्या बात है कड़क अरे वाह भाई एकदम तुमने धमाका मचा दिया है <laughs> बहुत बढ़िया धमाका मचा दिया तुम लोग ने क्या बात है सचिन बहुत सुंदर कन्हैया क्या बात है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर तन्मय आवास यू रानी बहुत ही बढ़िया अंकिता ग्रेट रानी जयसवाल सचिन रिहान बहुत बढ़िया हर्ष पांडे चलो यहाँ देखो तो इफ यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है पहले क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ देखो अच्छे से

अगर मान लो ये अर्थ है थोड़ा बड़ा बनाता हूं अर्थ इतना छोटा थोड़ी होता है <laughs> चलो ये है मान लो अर्थ ठीक है चलो और ये अर्थ है और अरे भाई आजा देखो और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया समझो कि यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ये अर्थ का सेंटर है ठीक है ध्यान से समझना ठीक है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास स्मॉल m है स्मॉल m और इसका अर्थ का मास कैपिटल m है ठीक है मान लो ये सरफेस में है ये अर्थ के सरफेस में है समझो तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो आर है कैपिटल आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एज वेल एज यहां पे इस कंडीशन में क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके सरकम ही है अर्थ के सरफेस में ही है ऑब्जेक्ट अपना ये ऑब्जेक्ट वहीं पर है तो इसीलिए रेडियस भी उतना ही रहेगा मतलब आर रहेगा सेम सेम अब जरा समझना अब मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं बोलूं कि वेट बताओ कितना है तो तुम क्या बताओगे बोलोगे सर हमको क्या पता वेट वेट क्या होता है हमको क्या मालूम देखो भाई मान लो ये पेन है और इस पेन का वेट कितना है तो तुम बोलोगे जाएंगे अभी वजन कर लेंगे पता चल जाएगा मैं बोलूंगा वजन कैसे कर लोगे देखो क्या होता है कभी भी ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का वेट उतना ही होगा मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो सभी लोग ध्यान से ध्यान दो यहां पर फोकस करो सभी लोग इधर उधर मत देखो यहां देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट उतना ही होगा जितने फोर्स से अर्थ इसे खींच रहा है मेरा वेट उतना ही होगा जितने फोर्स से यह अर्थ मुझे खींच रहा है इस बोर्ड का वेट उतना ही होगा जितने फोर्स से अर्थ इस बोर्ड को खींच रहा है अर्थ के अंदर ऐसा ही होता है दिस इज द रीजन कि तुमने देखा होगा कि वेट का फॉर्मूला होता है एम और इसी के बगल में लिखा होता है एफ इज इकल टू डब्ल्यू इज टू एम जी फोर्स ये एफ लिखा होता है यह एफ क्यों लिखा होता है क्योंकि फोर्स हमेशा होता है और वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है यही रीजन है क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है एंड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी समझ में आया अब यहां फोकस करो इसका मतलब क्या है कि वेट क्या होता है वेट होता है एम जी

समझ में आया वेट हमेशा इक्वल है फोर्स के चलो चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई मजा आ गया टेंशन मत लो मैं हूं तुम्हारे साथ काहे टेंशन ले रहे हो फिजिक्स तुमको चिंदी बना दूंगा दूंगा साइंस साइंस की साइंस वन बहुत आसान कर डोंट वरी चलो करो फटाफट मजा आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब लोग दे रहे हो एकदम आंसर धमाकेदार क्या बात है बहुत बढ़िया अथर्व क्या बात है करण सुमैया हितेश बहुत बढ़िया साक्षी मनीषा क्या बात है बहुत सुंदर नीरज जूनियर टेक्नो क्या है भाई टेक्नो गेमिंग चलो यहां देखो यस आगे निकलते हैं इसका लीडर बोर्ड देख लो बहुत सुंदर बहुत सुंदर एक बोल रहा है वंस मोर वंस मोर <laughs> गाना थोड़ी चल रहा है और कोई मूवी थोड़ी चल रही है वंस मोर तो लीडर दो रे बाबा मनीषा क्या बात है मनीषा ने टॉप कर दिया मनीषा के यहाँ पे देखो कीड़े का निशान है इसीलिए वो टॉप कर रही लड़की है ठीक है फिर आयुष बारी श्रेष आदित्य पत्रा आदित्य पैट्रो ओके रिएक्शन बॉय शैलमोन बॉय केवरा आदित्य आदित्य भाई पलक बहुत सुंदर चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं चलो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फटाफट देखो गो टू मॉट कॉम एंड यूज द कोड यूज द कोड कहा लास्ट क्वेश्चन है देखो जितने क्वेश्चन करा दिया ना ये छह क्वेश्चन में ही तुमको समझ गया होगा कि क्वेश्चन के लेवल कैसे होने चाहिए साइंस वन से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे समझ रहे हो चिंदी मिंदी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं अगर तुमको लगता रहेगा कि ये फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह वाले पार्ट से एक एक लाइन के क्वेश्चन फटाफट दस पंद्रह बीस मिनट ही करा दूंगा चला जाऊंगा आसान नहीं होता यहाँ जब से बोल रहा हूँ ना इसमें भी एनर्जी लगती है हम लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं बोलते है, बोलते है, तुम्हें पता है पूरा वाटर की जरूरत पड़ती है फिर लेना पड़ता है वाटर वहां से एनर्जी ड्रिंक <laughs> वाटर ये हमारा एनर्जी ड्रिंक है समझ रहे हो तो इस बात को समझ के रखो थोड़ा सा तो ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है जितने क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसको हमेशा समझा करो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुमको लगता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीटी आसान होता है चिंदी क्वेश्चन उसमें आते हैं क्वेश्चन आते तो मैं भी कल से दो दो लाइन के आंसर लेकर आऊंगा फटाफट करवा दूंगा वेरिएशन इन जी वाले <laughs> मुझे कुछ नहीं है तुम जैसा बोलोगे वैसा ही कराऊंगा ठीक है तो इस बात को आपको समझ के रखना है अच्छे से चलो तो नेक्स्ट आगे निकलते हैं चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखो फटाफट लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं कौन धूम मचाएगा <laughs> चलो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन के आंसर को आउट स्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन सर क्वेश्चन डालो बहुत मजा आता है सॉल्व करने में क्या बात है ऋतुजा बहुत सुंदर क्या बात थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है अरे दिख क्यों नहीं रहे भाई तुम सबको क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है दिख रहा ना ओके फाइन इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वट अबाउट टोटल एनर्जी आ हा आहा। जिस बंदे ने वेलोसिटी सॉल्व किया होगा उसको ये पता होगा बहुत ही मजा आएगा बहुत ही मजा आएगा एक कह रहा है नो आइडिया नो आइडिया फील इट कह रहा है सर आपका क्वेश्चन लाजवाब होते हैं मजा आ गया यू आर गुड टीचर मैंने ऐसे टीचर जिंदगी में कभी नहीं देखा इतना हंसता हुआ आप बहुत फ्रेंडली सर हो आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच फील इट क्या बात है कौन हो भाई तुम्हें फेल कर लो ठीक है <laughs> चलो जल्दी से क्वेश्चन दो टाइम इज अप जल्दी करो जल्दी करो आज कुछ तूफानी करते हैं क्या कर रहे हो क्या गुंडा बनोगे यार ऐसे में तुम लोग सीटी टॉप करोगे क्या ये क्या गुंडा बनोगे टू नाइनटी फोर लोग कर रॉन्ग है मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र के सारे बच्चों का जो भी बेस है वो क्लियर ही नहीं है ओपी <laughs> इन चैट चलो ठीक है यहां दिखाता हूं एक हजार बच्चे हमारी चैट को आज देख रहे हैं आज पूरी पूरी वीडियो को चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाफट फड़। एकदम रैप्चिक तरीके से आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे चलो यहां देखो यहां देखो सो इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ दी यहां पर इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस और वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म समझा एनर्जी कैन ना इधर भी क्रिएटेड नॉर्ट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म एनर्जी को कभी ना तो खत्म कर सकते हो ना तो कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो कभी बना सकते हो ना कभी क्रिएट कर सकते हो बात एक ही होती है ठीक है और बट इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कि देखो जो सन की लाइट होती है वो लाइट एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं ना बट खत्म नहीं कर सकते ठीक है चलो अब देखो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो जिस जिस बंदे ने तुम्हारे बुक का ही है डोंट वरी जिस जिस बंदे ने स्केप वेलोसिटी वाला सॉल्यूशन देखा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा चलिए मैं तुमको एक्सप्लेन करके देता हूं केप वेलोसिटी में हमने क्या किया था देखो यहां पे. वेलोसिटी में हमने क्या किया था समझो के पूरा समझा के देता हूं अच्छे से देखो क्या हुआ था क्या हुआ था हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी क्या देखा था हमने कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है टोटल एनर्जी हमेशा इसमें जीरो होती है वेलोसिटी में पढ़ा था क्या पढ़ा था इसमें दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम वी एस सी का होल स्क्वायर और ये प्लस और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था माइनस जी एम एम अपॉन आर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है ठीक है ये याद रखना अच्छे से चलो अब इसको सोल्व कर लो आगे फटाफट स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था तभी तो वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू एम वी का ई एस का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो इस चीज को उधर भगा दो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो जी m एम अपॉन ये हमने प्रूफ किया था रे बाबा एग्जाम में कभी भी आ सकता है ये को मालूम नहीं है अभी ठीक है अब देखो यहां पे क्या होगा यहाँ जरा समझने का अच्छे से क्या मिलेगा ये टू इधर जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे वीई एस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर और स्क्वायर रूट लेंगे तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है रूट ऑफ GM by R. तो ये फॉर्मूला जिस जिस बंदे ने सॉल्व किया था जिस जिस बंदे ने इसको सॉल्व किया था यहां देखो जिस 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 जिस, जिस, जिस बंदे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया रहा होगा उसको इतना तो पता रहा होगा कि टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा जीरो होती है दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो समझ में आया एक एक बच्चे को समझ में आया किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो समझा दू क्या हाँ यार दो डाल दो इधर पे इधर टू डाल दो अभी समझा क्या नहीं समझा तो फिर से बताऊंगा मैं नहीं समझा तो फिर से बताऊंगा हार्ड नहीं है कौन कहता है हार्ड है हार्ड तो तुम लोग चलो लेके चलता हूँ तारों के शहर में ऐसे नहीं समझोगे यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ ना गुंडा बनोगे यार तुम लोग दुनिया में देखो यहाँ पे क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी होती है यहाँ देखो देखो समझा के देता हूं पूरा अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है कि यहाँ पे होता है कि टोटल जो एनर्जी है टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है जीरो मतलब कि काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल क्या होगा जीरो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वन अपॉइंट टू एम वी का स्क्वायर ये फॉर्मूला तो पता होगा ना तो हम जब स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो हम यही करते हैं ना और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी एम एम अपॉन आर होता है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा चलो बताओ जीरो के जीरो लिख के का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो तक क्लियर है एक एक बच्चे को क्लियर है क्या एक एक बच्चे को क्लियर है, क्या? एक -एक क्लियर है, क्या है यहां तक आगे देखो 1 टू एम वीई एस सी का स्क्वायर कितना आसान है इसको उधर भगा दो एग्जाम में आ सकता है ये चलो यहां देखो अब ये क्या होगा ये स्मॉल और ये स्मॉल कैंसिल और ये टू ये टू इधर जाएगा और इधर क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा तो देखो लिख दिया और ये टू इधर गया तो ये इसको भी यहां पे लिख दिया अब यहां पे स्क्वायर रूट ले लेता हूं स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या बचेगा सिर्फ यहां वी ई एस सी स्क्वायर गायब और यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा अरे टू नहीं लिखोगे क्या टू जी एम बाय आर दिस इज द प्रूफ ऑफ वेलोसिटी समझा अच्छे से क्लियर अब तो क्लियर हुआ होगा कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो जितना है उतना ही रहेगा कंजर्वेशन एक इंग्लिश का वर्ड है किसी शब्द के लिए जैसे एनर्जी के लिए अगर यूज करते हो कंजर्वेशन वर्ड इसका मीनिंग होता है कि जो भी चीजें जितनी है उतनी ही रहेगी ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता थैंक यू सचिन बोरसे समझ में आया क्या रे बाबा क्लियर हुआ क्या ये तो जिस बच्चे को ये समझा था ना ये पढ़ा रहा होगा जिस बंदे ने सिर्फ उसी को पता रहा होगा कि टोटल एनर्जी हमेशा जीरो होती है सिर्फ उसी को मालूम रहा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें टोटल एनर्जी जीरो वैल्यू होती है उसी को ये पता रहा होगा बाकी किसी को नहीं जिसने ये पढ़ा रहा होगा पूरा देखो हमारा आंसर यही मिल गया है कि जीरो है बट ये जानबूझ के मैंने कराया कि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तुम ऐसे क्वेश्चन भी सारे कर पाओगे समझ हैं मैं क्या कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी तुम लोग सारा का सारा कर पाओगे क्लियर है चलो अब आगे निकलते हैं दिल से आया कैसे, भी आया कैसे। चलो रुको ना 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 ना। रुक जाओ जरा निकाल रहे हैं वहीं पे चालू करना पड़ेगा ना रुको 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 चलो करो चलो 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 समझ गया ना जीरो आंसर रहेगा जीरो आंसर आएगा सबको समझा था जीरो नेक्ष्ट कस्छन। नेक्ष्ट कस्छन क्या जीरो आंसर आएगा क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई लीडरबोर्ड आएगा अभी लीडरबोर्ड आपके सामने लीडरबोर्ड ए भाई क्या हो गया सबके <laughs> सब भाग गए एंड मनीषा इज टॉपर टूडे स्टॉपर इज मनीषा क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेषन मनीषा कॉन्ग्रेचुलेन अ ग्रेट अपलॉट टू हर बहुत बढ़िया क्या बात है कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तुम सबने टॉप कर दिया टॉप कर दिया तुमने बहुत ही बढ़िया कांग्रेचुलेन ओपी इन द चैट फॉर मनीषा ठीक है कोई कह रहा है सर मेरा गला बहुत सुरीला है यस yes. मैं जियान मेरा गला है बहुत बहुत सुरीला <laughs> मैं ताकत वर, मैं ताकतवर चलो क्लियर <laughs> ये क्लियर हो गया क्या सभी लोग को मनीषा इन द चैट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है बहुत बढ़िया तुम सबने आज सपोर्ट किया कैसा लगा आज का मेंटी ग्रेविटेशन ने धमाका मचा दिया ना भाई क्या बोलते बिडू <laughs> क्या बोलते पब्लिक कैसा लगा ये मेंटी आज का आज का मेंटी कैसा लगा बोलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बताओ कैसा लगा बहुत ही बढ़िया अरे क्या बात है एकदम बहुत बढ़िया चलो मजा आ गया जिन बच्चों को पढ़ाई करना है जिन बच्चों को मेहनत करनी है जिन बच्चों को आगे बढ़ना है जिन बच्चों को घर में अपना नाम रोशन करना है दुनिया में आगे बढ़ना है वो बच्चे जरूर यहाँ पे ज्वाइन होकर हमेशा पढ़ाई करेंगे और वो बच्चे डेफिनेटली जिंदगी में बेस्ट करेंगे अपने डेफिनेटली और जिन बच्चों को कुछ नहीं करना उनको कितना भी पढ़ा दो वैसे ही रहेंगे हमेशा तो यहाँ पे मैं एक एक बेसिक बताता हूँ मतलब कोई भी क्वेश्चन आने दो अपन क्या करते हैं इधर पे एक क्वेश्चन को समझ के करते हैं कितना भी टाइम जाने दो मतलब आज ग्रेविटेशन मैंने ऐसा कराया है तुमको एक एक चीज समझा दिया उसमें एक एक चीज समझा दिया उसमें ठीक है चलो ओके चलो तो आप सबका सपोर्ट बहुत जरूरी है ये मेहनत आप लोग के लिए है एक बार शिद्दत से वीडियोज को देखोगे तुमको समझे कितनी वैल्यू इसमें डाल रखी है मैंने ठीक है इस बात को समझ के रखना तो तुमको समझेगा बस अपने सारे फ्रेंड्स लोग को सपोर्ट करो भेज दो इन वीडियोस लेक्चर्स को हमारी एक्सीलेंट बैच के बारे में सबको बता दो कि यस एक्सिलेंट बैच हमारी लॉन्च हुई है सभी अपने फ्रेंड्स में डिस्कस कर लो बता दो सभी लोगों को जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी और सारे बच्चे सीई में बहुत अच्छे मार्क्स निकाल पाएंगे क्योंकि टेंथ के परसेंटेज से अब एडमिशन इतना नहीं होने वाला सीई टी की बेसिस पे ही पहली प्रेफरेंस दी जाएगी सीई का फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी आ जाएगी आज फॉर्म भरने वाला है तो आज ही मैं पूरा बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है ठीक है तो आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है आप सब हेल्प करोगे शेयर करोगे अगर अच्छी लगी वीडियो तो ही लाइक like करो कमेंट करके बताओ सारे फ्रेंड्स में स्प्रेड करो मेरा एम है कि सारे महाराष्ट्र के बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंचनी चाहिए ये इनिशिएटिव सारे बच्चों को फायदा दे क्योंकि अगर तुम ज्वाइन हो सकते हो तो तुम्हारा फ्रेंड भी ज्वाइन हो सकता है अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो ठीक है एक दूसरे की हेल्प करने से ही इंसान अच्छा बनता है और आगे बढ़ता है ठीक है इस बात को समझ के रखना पांच बजे अभी साइंस का सेशन हो सोशल साइंस का सेशन होगा पांच बजे ही होगी सोशल साइंस की फिर सात बजे मैथमेटिक्स का होगा और शाम को फिर इंग्लिश का मिलेगा ठीक है तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे, ठीक है बाय डॉल ऑफ यू पांच बजे सोशल साइंस का रहेगा याद रखना सभी लोग ठीक है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेवन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेवन होगा बाय डॉल ऑफ यू टेक केयर मिलेंगे ऐसे ही कल टू थर्टी पीएम को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की मेंटी लेकर के या तो फिर इसी क्वेश्चन के कुछ और मेंटी उठा लूंगा इसी चैप्टर का चलो ठीक है कल भी कल भी ग्रेविटेशन का होगा ठीक है कल भी ग्रेविटेशन का ही करवा के दूंगा कल भी ग्रेविटेशन का होगा ओके चलो बाय डॉल ऑफ यू टेक केयर बाय 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 याद है तो आबाद है भूल गए तो बर्बाद है बाय बाय टेक केयर